ईयर के छात्रों की परीक्षा कराने का फैसला ले लिया है। जी हाँ, इतना ही नहीं, विश्वविद्यालय में प्रैक्टिकल की परीक्षाएं तो शुरू भी कर दी गई हैं। जानकारी के मुताबिक परीक्षा करवाने से पहले छात्रों की ऑनलाइन राय जानी गई, जिसमें 1,00,000 में से लगभग 50% छात्रों ने ऑफलाइन परीक्षा व लगभग 35% छात्रों ने ऑनलाइन परीक्षा देने पर सहमति जताई है। अब विश्वविद्यालय प्रशासन ने प्रश्न पत्र बनाने का काम तो शुरू कर दिया है और साथ ही ऑनलाइन परीक्षा के लिए किसी एजेंसी को हायर करने का भी कार्य चल रहा है। ऑनलाइन सर्वे करवाने का हमारा बेसिक पर्पस था कि जो हमारे स्टेक होल्डर हैं, स्टूडेंट्स हैं, चॉइसेस वहाँ से आनी चाहिए, हाउ वुड दे लाइक टू अपेयर। तो जो ऑनलाइन कॉन्फिडेंट हैं अपेयर होने के लिए वो ऑनलाइन लेंगे। 1,00,000 से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स हैं पीजी और यूजी प्रोग्राम्स में, हमारे एफिलिएटेड कॉलेजेस में और हमारे एमडीयूसी पास और यूटीडीज मेन कैंपस में। इसमें से 71 या 2,000 जो हैं वो यूजी के बच्चे हैं, अंडर ग्रेजुएट के। इसमें नियरली 1/3 बच्चे हैं जो ऑनलाइन अपेयर होना चाहते हैं, जो रिमेनिंग हैं वो 2/3 जो हैं वो ऑफलाइन अपेयर होना चाहते हैं। तो उनके जो क्वेश्चन होंगे वो MCQ बेस्ड होंगे। हमारे बाकी स्टूडेंट्स जो हैं वो पीजी और इंटीग्रेटेड कोर्सेज जो हमारे यहाँ चल रहे हैं और ऑनर्स प्रोग्राम्स के स्टूडेंट्स हैं, उनका 50-50% है कि वो ऑनलाइन और ऑफलाइन देना चाहें। लार्ज ये वाले जो पीजी के और एमफिल पीएचडी के जो स्टूडेंट्स हैं, इनका हमारे जो पेपर्स होंगे वो डिस्क्रिप्टिव मोड में होंगे, चाहे वो ऑनलाइन मोड से हों चाहे ऑफलाइन होंगे। सारे एग्ज़ाम्स ऑनलाइन, ऑफलाइन, डिस्क्रिप्टिव और MCQ बेस्ड, ये रिमोटली प्रॉक्टेड होंगे। सावधानियों का ध्यान रखा जाए, सभी टाइम टू टाइम जो भी MHA से और स्टेट गवर्नमेंट से सेफ्टी प्रोटोकॉल्स हैं, उन सभी चीज़ों के इंस्ट्रक्शंस भी दी जा रही हैं स्टूडेंट्स को भी, प्रिंसिपल्स को भी, फैकल्टीज को भी, और उनका फॉलो होगा। कब तक एग्ज़ाम होने की उम्मीद है? सेकेंड या थर्ड, फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में ख़त्म हो जाने की उम्मीद है, और 1 सितंबर से आज से हमने शुरू कर दिए अपने प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। 1st से 10th हमारे प्रैक्टिकल एग्ज़ाम। विश्वविद्यालय की डीन नीना सिंह ने बताया कि UGC के दिशा निर्देशानुसार स्नातक के फाइनल ईयर के छात्रों के लिए ऑब्जेक्टिव टाइप, जबकि स्नातकोत्तर के लिए डिस्क्रिप्टिव प्रश्न पत्र बनाकर परीक्षा ली।